जेके कैंसर संस्थान में गैर जनपदों से इलाज कराने आने वाले मरीजों और तीमारदारों को खाने पीने की समस्या से दोचार होना पड़ता था। मरीजों के तीमारदार अस्पताल के बाहर ईंट का चूल्हा बनाकर खाना पकाते थे। उनकी इस समस्या को देखते हुए समन्वय सेवा समिति के सह संयोजक मनोज सेंगर ने गोल्डी मसाले के सहयोग से जेके कैंसर में वर्ष 2015 में राम रोटी की स्थापना की थी। जेके कैंसर में जो राम रोटी हमारा सेवा प्रकल्प चल रहा है, ये 2015 में पद्म विभूषण आचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज, जो कि भारत माता मंदिर हरिद्वार के संस्थापक हैं, उनका कानपुर आगमन हुआ था और किसी कारण से जेके कैंसर में वे आए हुए थे। तो उन्होंने वहाँ पर ये देखा कि मरीज और तीमारदार दोनों ही यहाँ पर भोजन के लिए बड़ी अव्यवस्था का शिकार हुआ। तो उन्होंने संतोष कुमार अग्रवाल जी, जो समन्वय सेवा समिति के संयोजक हैं, उनसे निवेदन किया कि यहाँ पर अगर मरीजों के भोजन की व्यवस्था हो जाए तो पूज्य स्वामी जी की प्रेरणा से समन्वय सेवा समिति, जिसका कि मैं सह संयोजक हूँ, उसके माध्यम से अक्षय तृतीया 2015 अप्रैल के महीने में जेके कैंसर में राम रोटी का प्रारंभ हुआ और इसके कुछ समय बाद ही हम लोगों ने वहाँ तीमारदारों के लिए भी निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कर दी। जेके कैंसर में स्थापित राम रोटी में खाना बनाने के लिए ब्रांडेड खाद सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। सीजन की सब्जियों के स्वाद को ध्यान में रखते हुए पौष्टिक खाना बनाकर मरीजों और तीमारदारों को निशुल्क वितरित किया जाता है। साथ ही मौसमी फलों के साथ ही मिष्ठान भी खाने की थाली में परोसा जाता है। 8 सालों में अब तक 13 लाख भोजन थालियों का निःशुल्क वितरण किया जा चुका है। इस संबंध में सह संयोजक मनोज सेंगर कहते हैं कि पूज्य स्वामी सत्यमियतानंद की कृपा से ये प्रयास अनवरत जारी रहेगा। लगभग 8 साल 9 माह पूरे हो रहे हैं हमारे सेवा प्रकल्प को, और अगर मोटा मोटा अंदाज और गणना करते हैं तो हम 14 लाख से अधिक भोजन थालियां निशुल्क मरीजों और तीमारदारों को वितरित कर चुके हैं। समन्वय सेवा समिति के सह संयोजक मनोज सेंगर और उनकी पूरी टीम तन मन धन के साथ रोज सुबह और शाम मरीजों और तीमारदारों को निशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के प्रति कटिबद्ध है। उनका कहना था कि इसमें गोल्डी मसाले के सुरेंद्र गुप्ता और अन्य लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है, जिसकी वजह से ये मुहिम चल रही है। सर्वप्रथम तो सभी महानगर वासियों को सादर प्रणाम। परम पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिर जी, स्वामी अवधेशानंद जी, स्वामी गोविंद देव गिर जी, इन सबके सानिध्य में आज ही की तारीख को 8 वर्ष पूर्व यहाँ पर राम रोटी नाम से यह प्रकल्प शुरू किया गया था। यहाँ पर प्रतिदिन जितने भी मरीज भाई होते हैं और उनके अटेंडेंट होते हैं, उन सबको निःशुल्क भोजन व्यवस्था सुबह शाम प्रदान की जाती है। सुबह शाम दूध भी दिया जाता है ताकि उनके अंदर ऊर्जा का, प्रसन्नता का संचार हो, इस भावना से ये प्रकल्प शुरू किया था। और लगभग 8 वर्षों में 13 लाख थालियों को यहाँ पर वितरित किया गया और प्रभु की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से लगभग 400 से अधिक लोगों की सेवा प्रतिदिन यहाँ जेके कैंसर इंस्टीट्यूट जीटी रोड में, जो कार्डियोलॉजी के बगल में भी है, यहाँ पर करते हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है कि इस प्रकल्प को निरंतर जारी रखने की शक्तियाँ प्रदान करें ताकि हम सभी वर्गों की यहाँ पर सेवा कर सकें। दोस्तों, इसीलिए अपना कानपुर देश दुनिया में गिना जाता है, क्योंकि कानपुर से ना जाने कितने जागरूकता के संदेश लोगों तक पहुँच जाते हैं, जिनकी बागवानी बनकर तैयार हो जाती है। इसी के साथ मैं अरिशा सफदर आपसे नमस्कार करने से पहले ये गुजारिश करती हूँ कि अगर आपने हमारे लोकल वोकल चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर दीजिए। साथ ही इसी तरह के अन्य खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर में जाकर लोकल वोकल ऐप को तुरंत इंस्टॉल करें। इतना ही नहीं, आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।